जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं डूब रही हैं, तो निवेशकों की निगाह भारत पर है। मतलब भारत की इकोनॉमी में सुनामी आने का दावा करने वालों को आंख खोल कर देखने की जरूरत है। फेसबुक और रिलायंस जियो के बीच हुई 43,574 करोड़ की डील ये बताने के लिए काफी है कि मोदी के दौर में भारत की औकात क्या है। भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर में यह आज तक का सबसे बड़ा एफडीआई है, वो भी ऐसे मुसीबत के दौर में। इस डील के बाद जियो भारत की 5 सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनियों में से एक बन गई है। अब इस डील का फायदा भी सुन लीजिए। इस डील के बाद अब रिलायंस के सभी प्लेटफॉर्म, फेसबुक और उससे जुड़ी कंपनियों जैसे व्हाट्सएप का उपयोग कर पाएंगे और फेसबुक भी ऐसा ही करेगा। अब रिलायंस रिटेल अपना न्यू कॉमर्स व्यवसाय व्हाट्सएप की मदद से जियो मार्ट के प्लेटफॉर्म पर कर पाएगा। देश के करोड़ों किसान और व्यापारी ठीक उसी तरह जियो से जुड़ सकेंगे जैसे वो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ग्रोफर्स और बिग बास्केट से जुड़े हुए हैं। जियो मार्ट के जरिए बिजनेस कर रहे किसान व्हाट्सएप पेमेंट के जरिए पैसों का लेन देन कर पाएंगे। इस डील का फायदा 6 करोड़ माइक्रो, छोटे व मझोले व्यवसायों, 12 करोड़ किसानों और 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को होगा। साथ ही बड़ी संख्या में इससे एम्प्लॉयमेंट भी जेनरेट होगा।